प्रश्न वाले तेरा जवाब नहीं। राजेंद्र कुमार एक ऐसा नौजवान जो अपने दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना। एक ऐसा नौजवान जिसने पिता की दी हुई महंगी घड़ी को मैं 63 रुपये में बेचकर अपनी किस्मत बदल दी। हौसला इतना था कि जिस घर को भूतिया बताकर कोई दूसरा इंसान खरीद नहीं रहा था उसे उन्होंने खरीदा और फिर बन गए जुबली कुमार। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट के संगटारा गांव में पैदा हुए थे राजेंद्र कुमार। ये वो दौर था जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और सियालकोट देश का एक बेहद समृद्ध इलाका था। राजेंद्र कुमार का पूरा नाम था राजेंद्र कुमार तुली और उनके दादाजी एक बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। इनके पिता की कुछ टेक्सटाइल मिल्स थी। एक 6 मंजिला मकान में 42 कमरे थे और उस मकान में राजेंद्र कुमार साहब का पूरा परिवार एक साथ रहता था। राजेंद्र कुमार पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। राजेंद्र ने ग्रेजुएशन पूरी की थी कि इसी बीच देश का बंटवारा हो गया और इनका भरा पूरा और समृद्ध परिवार अपने घर और कारोबार को छोड़कर भारत आने को मजबूर हो गया। राजेंद्र कुमार जब छोटे थे तभी से उन्हें फिल्मों का चस्का लग गया था। फिल्मों का वो चस्का कब जुनून में बदल गया मालूम ही नहीं पड़ा। आज़ादी मिलने से पहले लाहौर शहर में फिल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी पनप रही थी। राजेंद्र कुमार सपना देखते थे कि बड़े होकर वो भी लाहौर जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे। उनका ये सपना पूरा होता इससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया। लेकिन 1947 के बाद मुंबई फिल्म निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन गया और राजेंद्र कुमार के लिए बॉम्बे अब सपनों का शहर बन चुका था। वो किसी भी तरह से बॉम्बे पहुंचकर फिल्मों में काम करने के लिए उतावले होने लगे थे। फिल्मों में काम करने की चाहत के लिए एक दिन ये अपने पिता के दी द्वारा घड़ी बेचकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। वो घड़ी जो इनके पिता ने इन्हें बड़े ही प्यार से तोहफे में दी हुई थी और एक महंगी घड़ी थी, लेकिन मुंबई जाने के लिए राजेंद्र कुमार ने वो घड़ी 63 रुपये में बेच की। पिता की घड़ी बेचकर उन्हें अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उन्हें भरोसा था कि इस घड़ी को बेचकर ही वे अपना वक्त बदल सकते हैं। 63 रुपये में से 13 रुपये का इन्होंने दिल्ली मुंबई फ्रंटियर मेल का टिकट खरीद लिया। बचे हुए 50 रुपये से मुंबई में इन्हें अपनी किस्मत बदलनी थी। मुंबई आने के बाद एक कमरा किराए पर ले लिया और अपना संघर्ष शुरू किया। कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों में धक्के खाने के बाद आखिरकार उस जमाने के दिग्गज डायरेक्टर H.S. रवेल ने इन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया। अगले 5 साल तक राजेंद्र कुमार H.S. रवेल साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते रहे। इस दौरान पतंगा, पॉकेटमार और सगाई जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया। H.S. रवेल जब जोगन फिल्म बना रहे थे तो दिलीप कुमार के दोस्त के रोल के लिए उन्हें एक कलाकार की तलाश थी। वो रोल छोटा सा था। जब रवेल साहब को कोई कलाकार नहीं मिला तो उन्होंने हैंडसम दिखने वाले अपने असिस्टेंट राजेंद्र कुमार से वो रोल करा लिया। इस तरह पहली बार सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का उन्हें मौका मिला, वो भी नरगिस और दिलीप कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ। यूँ तो राजेंद्र कुमार उस फिल्म में कुछ ही देर के लिए नजर आए थे, लेकिन प्रोड्यूसर राजेंद्र गोयल ने इन्हें उस छोटे से रोल में भी नोटिस कर लिया। उन्हें लड़का बहुत सही लगा। सन 1955 में जब उन्होंने फिल्म वचय बनाई तो उसमें राजेंद्र कुमार को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दे दिया। इस तरह से वचन फिल्म में राजेंद्र कुमार के करियर की एज एन एक्टर फुल टाइम फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें पूरे 1500 रुपये मिले थे। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही थी और राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म वचन ही थी। वचन के बाद उनकी किस्मत बदल गई थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि एक नए स्टार का जन्म हो चुका है। 1956 में राजेंद्र कुमार ने 2 फिल्मों में काम किया था, तूफान और दिया आवाज़। इसके बाद 1957 में वे एक ऐसी फिल्म में दिखे जो ना केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पसंद की गई और सराही गई। ये थी महबूब खान की मदर इंडिया। इस फिल्म में वे रामू के रोल में दिखे थे। यूँ तो ये फिल्म पूरी तरह से नरगिस की फिल्म थी, लेकिन राजेंद्र कुमार ने भी
इस फिल्म में इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री के स्थापित अभिनेताओं में से शुमार हो गए। एक हीरो के रूप में उन्हें पहली दफ़ा सफलता मिली। सन 1959 में रिलीज़ हुई फिल्म गूंज उठी शहनाई से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट साबित हुई। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा कुछ यूँ है। फिल्म के स्पेशल प्रीमियर में राजेंद्र कुमार साहब ने प्रख्यात शहनाई वादक रहे मरहूम उस्ताद बिस्मिल्ला खान को बुलाया था। प्रीमियर ख़त्म होने के बाद राजेंद्र कुमार खान साहब से मिले और बोले, खान साहब मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? खान साहब बोले, आपकी परफॉर्मेंस भाई हमें तो आप फिल्म में कहीं दिखे ही नहीं। खान साहब की बात सुनकर राजेंद्र कुमार कन्फ्यूज़ हो गए थे। तब खान साहब बोले, असल में हमें फिल्म के हीरो को देखकर लगा जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं। इतने बड़े नगीने से अपनी तारीफ सुनकर राजेंद्र कुमार को बहुत खुशी हुई। फिल्म मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार ने अनवर नाम के नौजवान मुस्लिम शायर का किरदार निभाया था। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की कि फैंस को लगा कि वास्तव में वो कोई मुस्लिम एक्टर है। उन्हें बहुत सारी चिट्ठियाँ मिली जिसमें उन्हें ये सवाल किया गया कि कम से कम अपना असली नाम बताएं, क्योंकि यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार के नाम से मशहूर है। हो सकता है आप भी कोई मुस्लिम हो और राजेंद्र कुमार के नाम से एक्टिंग करते हो। राजेंद्र कुमार ने लगभग हर चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा कि मेरे माँ बाप ने मुझे यही नाम दिया है। राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वे मुंबई में एक बड़ा मकान खरीदना चाहते थे ताकि वे जल्द से जल्द अपने घरवालों को दिल्ली से मुंबई बुला लें। किसी ने उन्हें बताया कि कार्टर रोड पर मौजूद एक बंगला बिका हुआ है। वे उस बंगले को देखने चले गए। पहली नज़र में राजेंद्र कुमार को वो बंगला पसंद आ गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि उस वक्त इतने पैसे ही नहीं थे कि वो इस बंगले को अपना बना सके। वे पैसे के इंतजाम के बारे में सोचने लगे पर कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। पर चूंकि उनकी किस्मत में वो बंगला लिखा था तो वो बंगला खरीदने का मौका इनके पास खुद ब खुद चला आया। बीआर चोपड़ा इनके पास अपनी फिल्म की कहानी लेकर आए थे और साथ ही एडवांस लेकर आए थे। वो हर हाल में उन्हें अपने उस फिल्म में लेना चाहते थे। उस फिल्म के अलावा भी दो और फिल्म में साइन करना चाहते थे। इस तरह से बीआर चोपड़ा की मदद से कार्टर रोड वाला वो बंगला उन्होंने खरीद लिया। कई लोगों ने इस बंगले को भूतिया होने की खबरें बताई थी, लेकिन राजेंद्र कुमार ने किसी की नहीं सुनी। इस बंगले में आने के बाद उनकी किस्मत पलट गई। उनकी फिल्में सुपरहिट होने लगी, हर दूसरी फिल्म सिल्वर जुबली होने लगी। उस समय मुंबई के 7 सिनेमाघरों में एक समय पर इनकी 7 फिल्मों ने धमाल मचाई। इनमें से ज़्यादातर सिल्वर जुबली ही थी। इसी वजह से राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा जाता है। राज कपूर और राजेंद्र कुमार दोनों ही बहुत गहरे दोस्त थे। सन 1964 में फिल्म संगम में दोनों ने साथ में काम किया था। दोनों साथ में खाते पीते थे। राज कपूर साहब कहते थे, उनका राजेंद्र कुमार के अलावा कोई और दोस्त नहीं है। वे दोनों अपने बच्चों की शादी के बारे में भी सोचते थे। जब राज कपूर साहब की मौत हुई तो राजेंद्र कुमार ने ऐलान कर दिया कि अपने दोस्त के बगैर वे कभी भी किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक फिल्म थी कानून। एक फिल्म ऐसी थी जिसमें ना ही कोई गाना था और ना ही रोमांस, लेकिन इसके बावजूद भी दादा मुनि अशोक कुमार और राजेंद्र कुमार की ज़बरदस्त एक्टिंग की बदौलत बीआर चोपड़ा एक कारनामा करने में कामयाब हो गए। राजेंद्र कुमार की फिल्म आरजू भी एक बड़ी हिट रही। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर रामानंद सागर थे और राजेंद्र कुमार की हीरोइन साधना थी। फिल्म में उन्होंने एक अपाहिज का रोल किया था। उस रोल को देख के एक अपाहिज लड़का उनसे मिलने मुंबई आया था। वो फिल्म के उनके किरदार से इतना प्रेरित हुआ था कि उसके मन में आया हुआ आत्महत्या वाला विचार तक बदल गया और युवक को जिंदगी का एहसास हुआ था। राजेंद्र कुमार ने डायरेक्टर एस कृष्णमूर्ति के साथ फिल्म सूरज की, जो बहुत हिट साबित हुई। फिल्म गोरा और काला में भी उनका अभिनय और डेडिकेशन बहुत सराहने वाला था। उन्होंने अपने करियर में कई रोल किए लेकिन विलन का रोल कभी नहीं किया। 70 के दशक में उनका करियर ढलान की तरफ बढ़ने लगा। उस जमाने में राजेश खन्ना नाम के नए लड़के का जादू सिनेमा शौकीनों पर चढ़ने लगा। वक्त की चाल समझते हुए राजेंद्र कुमार हीरो की बजाय सपोर्टिंग रोल्स करने लगे। कुछ समय बाद
हालात ऐसे बने कि राजेंद्र कुमार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। उन्हें अपना बंगला बेचना पड़ा जिसे बड़े प्यार से उन्होंने खरीदा था। वो बंगला उस जमाने के उभरते हुए सितारे राजेश खन्ना ने खरीदा और उनकी तकदीर भी उसी बंगले में आके ही चमक गई। वो इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार बने। कभी जिस बंगले को भूतिया बंगला कहा गया जाता था, उसने फिल्म इंडस्ट्री को दो शानदार सितारे दिए। फिल्म झुक गया आसमान की कहानी सायरा बानो के पास पहुंची, तो उन्होंने शुरू में काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब किसी ने कहा कि राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म को साइन किया है तो तुम्हें यह फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए, तो सायरा बानो ने हाँ कर दिया। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इतना शानदार फिल्मी करियर होते हुए भी कभी भी उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड नहीं मिला। 4 बार नॉमिनेशन जरूर मिला, पर यह कहा जा सकता है कि जनता का प्यार और सपोर्ट ही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार थे। 1969 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें नवाजा। राजेंद्र कुमार की शादी निर्माता निर्देशक ओपी रल्लन की बहन शुक्ल से हुई थी। उनसे उन्हें 3 बच्चे हुए, 2 बेटियाँ और 1 बेटा मनोज, जो फिल्म इंडस्ट्री में गौरव के नाम से मशहूर हुआ। फिल्म लव स्टोरी में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे को लॉन्च किया था। यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी। गौरव रातों रात स्टार बन गए, लेकिन अपने पिता की तरह स्टारडम मेंटेन नहीं रख सके। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी साल मुश्किल में गुजरे। वो कैंसर के शिकार हो गए थे। 12 जुलाई 1999 को अपने जन्मदिन से महज 8 दिन पहले ही 71 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते हुए दुनिया को छोड़कर चले गए। राजेंद्र कुमार की मौत से उनके फैंस बहुत दुखी हुए थे। हर किसी के जुबान पर एक ही बात थी, हिंदी सिनेमा का एक युग का अंत हो गया। राजेंद्र कुमार को उनके योगदान के लिए हमेशा ही याद किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। बहारों फूल बरसाओ।